तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले संस्कृत बीएड के बारे में कि संस्कृत बीएड में जो चीज़ें आती हैं आपको, ठीक है। जो अभी हम लोग बता रहे थे कि आपको साहित्य की तैयारी कैसे करनी है, साहित्य में जो लौकिक साहित्य है, वैदिक साहित्य का तो मैंने बता दिया, पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जो लौकिक साहित्य है उसकी तैयारी कैसे करें। लौकिक साहित्य में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो रामायण, महाभारत, ठीक है, पुराण हो गया, काव्य, काव्य के परिचय हो गया, सारी चीज़ें आपसे आपको पूछ ली जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले ही बता दी। अगर आप जो लोग बोल रहे हैं कि सर कोचिंग में करवा दीजिए, देखो यार ये वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही उपलब्ध है। आप संस्कृत एक्स वाई जेड यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ठीक है। संस्कृत एक्स वाई जेड यूट्यूब पर जब सर्च करेंगे तो आपको होम पेज पे जाना है, ठीक है। होम पेज पे जैसे जाएंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी, वहाँ पे आपको खोलना है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, रामायण मिल जाएगा, रामायण में क्या क्या चीज़ें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाती हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आ जाता है महाभारत, महाभारत में आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो उसकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है डिटेल में, ठीक है। उसके अंक देखो, रामायण में जो होता है उसमें अंक पूछ ले जाते हैं, जो कांड है उनके वो पूछे जाते हैं, कांड में जो घटनाएं घटित हैं वो पूछ लिया जाता है, ठीक है, या कितने कांड हैं ये पूछ लिया जाता है। महाभारत में भी जो पर्व है, 18 पर्व है, 18 पर्वों के बारे में पूछ लिया जाता है, उसमें क्या कहानी है वो पूछ लिया जाता है, तो उस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखते हुए आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पुराण, पुराण से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सर्ग वर्ग पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसमें महापुराण और पुराण के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, तो उसको भी वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है काव्य और काव्य के परिचय, ठीक है, रचना और रचनाकार जो है वो मैंने डिटेल में करा रखा, दोनों लौकिक जो पुराने समय के रहे हैं वो भी, और आधुनिक समय में जो आजकल पूछने लगे हैं वो भी उन्होंने करवा दिया। CUCET में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और इसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए आप इस चीज़ को कर लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने, और अन्य जो भी सारी चीज़ में पूछे जाते हैं, रस हो गया, छंद हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं चैनल पे, हमारे पहले से ही मौजूद है, दोबारा वीडियो नहीं बना सकता, रिव्यूज कॉन्टेंट में आ जाएगा, एक बार में ही मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है। उसके बाद आपको ले लेना है क्या, चिरंतनी बुक, चिरंतनी बुक से आपका बेस तैयार हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं, सिलेबस आपका क्या रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यू एडिशन लीजिएगा, कहीं भी ऑनलाइन कहीं से भी आप मंगवा लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। उसको लेके आप उसको तैयारी करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए, उसके बाद आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होती है तब हमको बताइए, ठीक है। आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।